BRB और ख्वाजा बिलाल का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ये स्टाइपेंड दे रहे हैं 100 बच्चों को और ये पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पे स्कूल क्रिकेट हुई थी लाहौर में और स्कूल क्रिकेट में 3 बच्चों ने 250 स्कोर किया था, उनको फीडबैक दिया था यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बड़ी ज्यादा क्योंकि मैं स्कूल क्रिकेट खेला हूँ, 250 जो रन करता है बच्चा स्कूल में सो तो उसमें पोटेंशियल होता है। तो फिर मैंने उन तीनों बच्चों को बुलाया और क्रिकेट बोर्ड ने 5-5 लाख रुपया दिया था उनको इनाम। तो मैंने कहा अपने पेरेंट्स को भी आप बुलाना, अपने पीई टीचर, अपने स्कूल के प्रिंसिपल सबको बुलाना ताकि मैं समझ सकूं कि कैसे इनकी टैलेंट वहां से ग्रो हुआ। और वो बैकअप बियॉन्ड से थे, बहुत दूर दूर के एरिया से ये तीनों बच्चे थे। सो जब इनके पेरेंट्स आए, इनके पीई टीचर आए, तो जब मैं उनको चेक दे रहा था तो मैंने कहा बच्चे से कहा, मैंने कहा क्या मायने रखता आपके लिए 5 लाख रुपए। मैंने कहा कि वो मेरे जो वालिद साहब वहां बैठे हुए हैं वो 1500 की दिहाड़ी पे काम करते हैं। तो तब मैंने रियलाइज किया कि ये इसके वालिद जो हैं इसको क्रिकेट भी खेलने देंगे क्योंकि घर के हालात ऐसे हैं कि वो ये कहेंगे कि तुम्हारा ये जो ड्रीम है इसको भी बहुत टाइम लगने है। 13-14 साल की उम्र में तो आप टेस्ट प्लेयर भी बन सकते हैं और अगर किसी बच्चे की ड्रीम टूट जाए उससे ज्यादा जरूरी नहीं होता। सो तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, हमें कुछ ऐसा सिलसिला करना चाहिए जहाँ पे ये बच्चे खुद के खेल सके। और इसका मकसद ये नहीं है कि माला माल हो जाएंगे, बट मकसद ये है कि वो बहुत एक सही सुकून के साथ क्रिकेट खेल सके। सो इसकी जो बैकड्रॉप है, इस स्टाइपेंड इनिशिएटिव की हुई है, जिसे ग्रासरूट लेवल के क्रिकेट के ऊपर जो इनिशिएटिव जो एसीबी और चेयरमैन के साथ रहेंगे और अपने सपोर्ट आपके एक ही और इंशाल्लाह आगे भी इसके ऊपर काम करेंगे और इसको और मजीद मजबूती करेंगे।